हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अय्यूब सैफी। दोस्तों, आज हम जो आपको वीडियो दिखाएंगे वो हम आज आपको पाँचवें क्लास की वीडियो दिखाएंगे। पाँचवें क्लास में व्हील ग्लास व्हील किस प्रकार लगाते हैं। वैसे तो हम प्लास से तोड़कर भी लगा लेते हैं, मगर उसमें हमारा ग्लास 100% चांस रहता है टूटने का। तो मैं दोस्तों आज आपको नया तरीका दिखाऊंगा किस प्रकार उसकी ग्लास व्हील की सेटिंग करते हैं। आइए ग्लास शो पर चलते हैं। दोस्तों, हम ग्लास शो पर आ चुके हैं और ये हमारे पास दो ग्लास के पीस हैं, 24x18 इंच, यानी कि 24 इंची और 18 इंची के। हमें जो निशान लगाने होंगे वो 2 इंची सिरे की साइड से छोड़ेंगे, यानी कि बाहर की साइड से, और हम जो निशान लगाएंगे आपका जो व्हील होगा ग्लास व्हील उसको नीचे की साइड से लगाकर ऊपर की साइड से निशान लगाना होगा। और इस माप यानी कि मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास केरोसिन नहीं है आप उसमें थीनर पेट्रोल वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको उंगली के इशारे से राउंड देना पड़ता है और जो आप इसमें चोट का प्रयोग करेंगे इसमें आपकी जो बॉल होनी चाहिए कि हथौड़ी वो बिल्कुल राउंड गोल होनी चाहिए एक बॉल की तरह। इसमें आप थोड़ा थोड़ा चोट मारते जाएंगे और इस प्रकार दोस्तों आपका शीशा इसमें से निकल जाएगा टुकड़ा। जो हमने इस पर निशान लगाया था वो उसमें जो आपका वे लेगा उसमें आपको ग्रुप नज़र आ रहा होगा, और ग्रुप नज़र आने के बाद उसमें ऊपर की साइड से आप अपना ब्लैक कलर का पेन घुमाकर इस तरह से निशान ला सकते हैं। दोस्तों देखना, हमारा पेज बिल्कुल बाहर निकल चुका है। हमने इसकी प्लास्टिक सफाई की और अपना रेडू चलाकर देखा, यानी ग्लास व्हील चलाकर देखा, बिल्कुल हमारी सेटिंग सही आ गई है जिससे कि हमारा इसमें लूजिंग भी नहीं है। और इस तरह दोस्तों दूसरी साइड हम 2 इंची निशान लगाया और लगाने के बाद वही अपना उसमें केरोसिन का प्रयोग करा, और प्रयोग करने बाद नीचे साइड हम हथेली रखेंगे जिससे कि आपको अपने ग्लास पर पूरी सपोर्ट मिल सकती है, और धीरे से एक उंगली की सहायता से आप अपने कलम को राउंड देंगे। दोस्तों, अगर हम कलम की बात करें ये हमारी जापान की कलम है की, और अगर हम इसके MRP की बात करें दोस्तों ये 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको। दोस्तों, इस तरह से चोट मारकर निकालना होता है। वैसे हम प्लास से भी तोड़ते हैं, मगर प्लास से तोड़ने से आपका शीशा टूटने का चांस रहता है। दोस्तों, आपका उसमें बिल्कुल ग्लास ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा एक मेरे पॉइंट आते लगा था जो मैंने आपको दोनों पीस में कटिंग कर दिखा रहा हूँ। एक पीस का हमारा कटिंग हो चुका है और दूसरे पीस की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, इस तरह से अपना आप कलम के जो हमारी कलम आती है कई प्रकार की, उसमें सबसे बेस्ट कलम होती है जापान की, मेड इन जापान के नाम से आती है। इसमें हमारा जो बैक साइड से राउंड होता है ऊपर टोपली, उससे चोट मारनी होती है। आप किसी प्लास का प्रयोग ना करें चोट मारने के लिए, क्योंकि इसमें आपके शीशे टूट जाएगा। चोट आपकी सिर्फ वहाँ पर लगेगी जहाँ पर आपकी कलम चल चुकी है। दोस्तों देखना, हमने इस प्रकार दोनों शीशे का अपना खांचा दे दिया है व्हील ग्लास के लिए, और मैं आपको इसमें दोनों साइड व्हील भी लगाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, जो हमारा व्हील है ये सिंगल व्हील हैगा, यानी कि जिसका साइज आता है वो 2 इंच का साइज आता है। दोस्तों, मेरी आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको, अगर आपका कोई शोकेस बनाते हैं उसमें आपका गिलास बड़ा रह जाता है उसमें, यानी कि आपका 3 mm या 4 mm 5 mm, दोस्तों अगर आप उस ग्लास को तोड़ते हैं तो मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको उसकी पूरी फेमस घटा कर दिखाऊंगा किस प्रकार घटाते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको ग्लास व्हील के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।